नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि जो यूनिट नंबर 11 है उसका जो पार्ट ए है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 10वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसकी पहले की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक समान गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबक के क्षेत्र बी में क्रमशः आर ई, आर ऑफ प्रोटॉन, आर ऑफ अल्फा कण के बीच संबंध याद करना है। यानी कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या और अल्फा कण की त्रिज्या, इन तीनों की त्रिज्याओं के मध्य जो रिलेशन है वो अपने को फाइंड करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में त्रिज्या आर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? त्रिज्या आर बराबर अपने पास में होता है एम वी अपोन क्यू और पी। ये अपने पास में होता है त्रिज्या आर के लिए फॉर्मूला। जो रेडियस आर होता है वो अपने पास में होता है एम वी बटा क्यू पी। सही है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिखना है अपने को। सही है, तो अपने पास में एम और वी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, इसको लिखते हैं पी से। ये पी नीचे अपने पास में है क्यू और पी। सही है, जो पी संवेग होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है रूट का टू एम ई अपोन, ये अपने पास में है क्यू और ये अपने पास में है बी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना आर बराबर कितना होगा, आर समानुपाती किसके होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, ई गतिज ऊर्जा भी समान है, दो अपने पास में कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से जो आर होगा वो समानुपाती होगा रूट का एम बटा क्यू के। सही है, जो त्रिज्या आर होगी वो समानुपाती होगी रूट एम के बटा क्यू के। सही है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास में आर ऑफ प्रोटॉन। सही है, आर ऑफ प्रोटॉन के लिए कितना होता है, आर ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन के लिए अपने पास में मास और चार्ज, प्रोटॉन अपने पास में होता है 1H1। सही है, तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास कितना है एक, तो एक का रूट बटा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है एक, तो ये एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बटा एक, यानी कि हो गया एक। सही है, अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ अल्फा कण की, ये कितना होता है, अल्फा कण अपने पास में होता है हीलियम HE, द्रव्यमान दो, परमाणु भार इसका इसका परमाणु क्रमांक दो, द्रव्यमान संख्या चार। सही है, तो यहाँ से देखना ये अपने पास में मास ऑफ अल्फा कण और ये अपने पास में चार्ज ऑफ अल्फा कण, मास ऑफ अल्फा कण, अल्फा कण का मास कितना होता है, ये होता है चार अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा कण ही कितना होता है, ये होता है दो। सही है, चार का रूट, चार का रूट होता है दो, ये बटा दो, दो से दो कटेगा कितना बचेगा एक। सही है, अपने पास में रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू वन, अपने पास में रेडियस ऑफ अल्फा कण इज इक्वल टू वन, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से अपने पास में देखना आर, ये अपने पास में होगा आर रेडियस किसकी, प्रोटॉन की, बराबर होगी रेडियस किसकी, अल्फा कण की। सही है, अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या का मान, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में आर बराबर कितना होगा, आर समानुपाती है अपने पास में रूट का एम बटा क्यू। सही है, प्रोटॉन के लिए चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इसके लिए मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में मास ये अपने पास में होता है 9.1 × 10⁻³¹, यह मास बटा, इसके लिए चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। सही है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 10⁻³¹ में, 10⁻³¹ में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो होता है 10⁻³¹, जबकि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास अपने पास में होता है 1.67 × 10⁻²¹। सही है, तो इधर अपने पास में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन के मास से, तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या का मान भी ज़्यादा होगा। सही है, मास और त्रिज्या समानुपाती है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या भी ज़्यादा होगी प्रोटॉन की त्रिज्या से, तो यहाँ से अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी प्रोटॉन की त्रिज्या से, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है, तो यानी कि प्रोटॉन और अल्फा कण क्या है, बराबर है, तो अल्फा कण से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये रिलेशन अपने पास में सही हो जाएगा। सही है, प्रोटॉन की अल्फा कण की त्रिज्याई होगी वो सेम होगी और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी त्रिज्या इन दोनों की त्रिज्याओं से ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मास जो है, मास का मान कितना है,
इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसके लिए त्रिज्या भी कम होगी, सही है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है वो 10^-31 में है, जबकि प्रोटॉन के लिए मास 10^-27 में है। तो जिसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम हो तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कम होगी, किससे? प्रोटॉन और अल्फा कण से। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, सही है। यहाँ से ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए मास कम होगा, मास कम होगा त्रिज्या कम होगी, सही है। प्रोटॉन के लिए मास ज़्यादा तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। दो पतले एवं लंबे तार एक दूसरे से भी दूरी पर स्थित है, प्रत्येक में आई धारा बह रही है, एक तार द्वारा दूसरे तार पर प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल का मान ज्ञात करना है, सही है। तो दो तारों के मध्य लगने वाला बल, ये तार एक ही है, एक ही है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, ये दूरी की स्मॉल बी, इसमें भी धारा कितनी है आई है, इसमें भी धारा कितनी है आई है, सही है। इन पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है प्रति इकाई लंबाई पर। तो बल ए बराबर कितना होता है? फॉर्मूला ए बराबर अपने पास में होता है U0/4π। ये 2, पहले वाले तार में धारा I1, दूसरे वाले में I2, बट्टा बीच की दूरी ये बी गुणा इस तार की लंबाई L, सही है। अपने को पूछा है F/L का मान, प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल, यानी कि F/L का मान पूछा है। बराबर यहाँ से अपने पास में U0 का मान, ये होता है U0 का U0, यूनिट के फॉर्म में पूछ रहा है ये, तो U0 का U0 अपॉन, ये 2 से कटेगा तो नीचे बचेगा 2π, सही है। धारा I1, धारा I2, I1 का मान कितना है? I1 का मान है I, I2 का मान भी है I, बीच की दूरी कितनी है B, ये अपने पास में हो गया, L इसके बटा में चला गया, तो यहाँ से देखना F/L बराबर, ये U0, I और I ये कितना होगा? ये अपने पास में होगा I² / 2π और ये B, सही है। तो प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित जो बल होगा वो अपने पास में होगा U0 I² / 2π B। कौन से ऑप्शन में है? U0 I² / 2π B, ये दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले में उठाई वैल्यू रखनी है, आंसर अपने पास में जाएगा दूसरा। इन दोनों को क्या करूँ? अपनी कॉफी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक धारावाही लूप को एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर कार्यरत बल आघूर्ण जो निर्भर नहीं करता है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है जो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, सही है। तो अपने पास में धारावाही लूप है, धारावाही लूप के लिए जो बल आघूर्ण टाउ होता है, टाउ अपने पास में कितना होता है? यह अपने पास में होता है NIBA cos θ, सही है। जो अपने पास में धारावाही लूप होता है उस पर बल आघूर्ण का मान ही होता है, सही है। तो ये अपने पास में किस किस पर निर्भर करता है? फेरों की संख्या पर, धारा पर, चुंबक के क्षेत्र पर और अपने पास में इसके क्षेत्रफल पर, सही है। तो ये अपने पास में लूप की आकृति पर निर्भर करता है क्या? आकृति अपने पास में एरिया पर, लूप का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सही है। ये अपने पास में जो होगा बल आघूर्ण टाउ, यह समानुपाती होगा 1 के, यानी क्षेत्रफल पर तो निर्भर करेगा, जो टाउ होगा वो समानुपाती होगा धारा आई के, आई पर भी निर्भर करेगा, सही है। जो टाउ होगा वो समानुपाती होगा चुंबक के क्षेत्र बी के, बी पर भी निर्भर करेगा, सही है। ए पर निर्भर करेगा, बी पर निर्भर करेगा, आई पर निर्भर करेगा, लूप की आकृति पर, जो लूप की साइज होगी उस साइज पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। जो लूप का आकार है उस पर निर्भर नहीं करेगा, ये उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चुंबक के क्षेत्र पर निर्भर करेगा और धारा पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, सही है। तो ये तीनों तो अपने पास में क्या हो जाएंगे? इन तीनों पर निर्भर करेगा और इस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। किसी चल कुंडली धारामापी में विक्षेप थीटा और धारा आई के मध्य संबंध याद करना है, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, चल कुंडली धारामापी है, उसमें अपने पास में धारा और विक्षेप कोण थीटा पर संबंध याद करना है। तो अपने पास में टाउ बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है NIBA, सही है। प्रत्यानयन बल के लिए बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है? टाउ समानुपाती अपने पास में होता है थीटा के, थीटा क्या है यहाँ पर? ऐंठन कोण है। तो यहाँ से टाउ ये बराबर समानुपाती कोण आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा सी, ये अपने पास में होगा सी और ये थीटा, सही है। तो ये अपने पास में समीकरण 1, ये टाउ के बराबर, ये समीकरण तो ये भी टाउ के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से देखना अपने पास में NIBA बराबर होगा अपने पास में C θ के, सही है। तो यहाँ से देखना धारा का मान कितना आएगा, धारा आई बराबर C/, यहाँ से NBA और A, ये इसके बटा में आएगा, इधर अपने पास में बचेगा थीटा, सही है।
तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, ये अपने पास में आई बराबर, इस पूरे को मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं के कॉन्स्टेंट, सही है। यहाँ पर अपने पास में सी अपोन एन बी ए, ये बराबर मान लेते हैं के, सही है, ये हो गया के, ये अपने पास में थीटा, सही है। इधर अपने पास में धारा और थीटा में संबंध ज्ञात करना है, थीटा क्या है इधर, विक्षेप थीटा में ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपने पास में आई समानुपाती होगा थीटा के, धारा और थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, ये अपने पास में इसमें विक्षोप थीटा और ये धारा आई, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे, कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर दो में, तो ऑप्शन नंबर दो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये अपने पास में प्रत्यानयन बल के लिए, ये अपने पास में पहला गुण टाउ बराबर होता है एन आई बी ए, एक पहला गुण टाउ बराबर होता है अपने पास में सी थीटा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आई समानुपाती होगा थीटा के, सही है। धारा और विक्षेप कोण दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, तो ऑप्शन नंबर दो सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर पाँच, इसमें अपने को दिया गया है कि एक साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किसको त्वरित करने में किया जाता है, एक साइक्लोट्रॉन है उसका प्रयोग किसको त्वरित करने में करते हैं, जो धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, सही है। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग धनावेशित जो कण होते हैं उनको त्वरित करने में किया जाता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर छः, एक धारावाही लूप एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए है तथा चुंबक या घूर्ण का मान एम है तो कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना है, सही है। तो अपने पास में जो कुंडली के लिए चुंबक या घूर्ण होता है, चुंबक या घूर्ण का मान कितना होता है, चुंबक या घूर्ण बराबर अपने पास में होता है एम बराबर ये अपने पास में होता है आई और ए के, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है चुंबक या घूर्ण का, चुंबक या घूर्ण, सही है। एम अपने पास में है चुंबक या घूर्ण, आई अपने पास में है धारा, ए अपने पास में इसका एरिया, सही है। इसमें क्या पूछा, ये धारा का मान पूछा है, तो धारा कितना होगा, यहाँ से धारा आई बराबर ये एम, ए इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा ए, तो एम बटा ए ये बराबर होगा आई के, सही है। चुंबक या घूर्ण बटा इसका क्षेत्रफल ये बराबर होगा धारा के, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, सही है। यहाँ से निकाल देंगे एम बराबर आई होता है, अपने को चाहिए आई का मान, एक को इसके बटा में भेज दो, आई का मान आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर सात, इसमें अपने को दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकी चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए √3 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इस सुई को उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल घूर्ण का मान ज्ञात करना है, सही है। टाउ का मान पूछा है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें अपने को एंगल दे रखा है थीटा, 60 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य है वो √3 है, सही है। कार्य का मान दे रखा है W बराबर है √3 जूल, सही है। एंगल की बात करें थीटा वन अपने पास में है 0 डिग्री, और थीटा टू कितना डिग्री तक घुमाया है, 60 डिग्री तक, ये 60 डिग्री, सही है। तो देखना कार्य के लिए क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में, कार्य W बराबर होता है अपने पास में चुंबक के क्षेत्र में कार्य का मान, देखना W बराबर अपने पास में होगा माइनस का एम बी, ये अपने पास में कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, यहाँ से आ जाएगा कार्य का मान, देखना W बराबर कितना होगा, माइनस का एम और बी कोस थीटा टू का मान कितना है 60 डिग्री, ये अपने पास में है कोस 60 डिग्री, माइनस कोस थीटा वन का मान है 0 डिग्री, सही है। आगे इसको सोल्व करते हैं, कार्य डब्ल्यू का मान कितना है, यह है √3 बराबर यह माइनस का एम और पी, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान अपने पास में होता है 1/2, सही है। माइनस कोस जीरो का मान होता है 1, तो यहाँ से देखना √3 बराबर यह माइनस का एम और पी, 1/2 में से जाएगा माइनस का 1, तो बचेगा माइनस का 1/2, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इधर अपने पास में √3 बराबर ये अपने पास में होगा एम बी 2, सही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से एम बी का मान आ जाएगा एम बी, ये बराबर अपने पास में होगा √3 ये आ गया एम और बी का मान, सही है। अब अपने को इसके लिए याद करना है बल आघूर्ण का मान, सही है। बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है,
टाउ बराबर अपने पास में होता है पी बल अगुण टाउ, टाउ बराबर अपने पास में होता है एम क्रॉस बी। बल अगुण टाउ कितना होता है, ये होता है एम क्रॉस बी। तो यहाँ से देखना एम टाउ बराबर एम क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है यह होगा साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर एम बी का मान ले रहा यह है टू रूट थ्री, ये अपने पास में है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री तो घुमाया है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से देखना टाउ बराबर कितना होगा, ये 2√3 साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये होगा रूट का 3/2, 2 से 2 कटेगा, टाउ बराबर कितना होगा √3 और √3, ये अपने पास में होगा 3 जूल। बल अघूर्ण का जो मान होगा वो अपने पास में होगा 3 जूल, 3 जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वह अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों में प्रवाहित होने पर इसमें लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, 2 चालक तार हैं, एक तार ये है एक तार ये है, सही है, दोनों के बीच की दूरी है वो अपने पास में है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक तार में जो धारा है वो 1 एम्पियर की है, इकाई एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा आई इसमें है, आई धारा किसमें है इसमें है, आई बराबर कितना है 1, इसमें भी आई बराबर कितना है 1, इस पर बल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो बल एफ बराबर क्या होता है, प्रवाहित होने पर उनके बीच बल का मान ज्ञात करना है, सही है। बल बराबर कितना होता है, बराबर यू नोट अपॉन 4π, ये 2 I1 धारा I2 धारा बटा बीच की दूरी मान लेते हैं d इंटू इसकी लंबाई l, सही है। यह प्रति इकाई धारा की इकाई एम्पियर वह धारा है, यानी प्रति इकाई से निकलने वाली धारा कितनी है 1 एम्पियर है, I1 का मान भी 1 है, I2 का मान भी 1 है, d का मान भी 1 है और l भी कितना है अपने पास में 1 है। तो यहाँ से देखना f बराबर कितना होगा, f बराबर होगा यू नोट अपॉन ये 2 से कटेगा, ये होगा 2π, यू नोट अपॉन 2π। I1 का मान भी 1, I2 का मान भी 1, बीच की दूरी भी 1 और ये l भी कितना है 1, सही है। तो अब यहाँ से देखना अपने पास में f बराबर कितना होगा, f बराबर यू नोट अपॉन 2π, यू नोट का मान कितना होता है, ये होता है 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन ये अपने पास में 2π, सही है। यू नोट का मान कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन कितना हो गया 2π। यहाँ से देखना एफ का मान कितना होगा, ये पाई से पाई कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो ये जगह 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये अपने पास में होगा बल का मान, 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें दिया गया है चित्र में दर्शाए अनुसार एक लूप, ये कोई लूप है वो अक्ष और वाई तल में है और इसमें धारा बह रही है आई, एकांक सदिश दे रखा है इसका के केप पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, सही है। तो लूप का चुंबकीय अघूर्ण अपने को याद करना है, ये जो पूरा लूप है इस पूरे लूप का चुंबकीय अघूर्ण याद करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, चुंबकीय अघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास में चुंबकीय अघूर्ण के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, चुंबकीय अघूर्ण अपने पास में होता है एम बराबर चुंबकीय अघूर्ण, ये अपने पास में होता है चुंबकीय अघूर्ण बराबर अपने पास में होता है एम बराबर होता है आई और एक, सही है। इसमें धारा और इसका अपने पास में एरिया, एम बराबर होता है आई एक, ये होता है चुंबकीय अघूर्ण के लिए फॉर्मूला, सही है। इस डायग्राम के लिए अपने को चुंबकीय अघूर्ण का मान ज्ञात करना है, सही है। तो इस डायग्राम में देखना अपने पास में एक रेखा खींचे ऐसे, ये अपने पास में एक तो वर्ग बन रहा है, एक अपने पास में 1, 2, 3, 4, इन चारों से अपने पास में क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, सही है। ये चारों अपने पास में होंगे, ये अर्धवृत्त का आधा हिस्सा, ये इसका इधर का हिस्सा, ये इसका इधर का हिस्सा, तो इससे अपने पास में एक तो वर्ग बनेगा एक वृत्त बनेगा, दोनों का अपन बल अघूर्ण ज्ञात करके इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसके लिए कुल बल अघूर्ण का माना जाएगा, सही है। एक तो अपने पास में इसमें बन रहा है एक वर्ग,
तो वर्ग के लिए क्या होगा, वर्ग के लिए देखना, वर्ग के लिए बल अगुण इसको बोल देते हैं एम वन बराबर, इसमें धारा I मेरी है तो धारा इसकी है I। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा है ए तो इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, तो यह तो होगा वर्ग के लिए बल अगुण एम वन, सही है। अब बात करें अपन वर्ग के लिए, वर्ग का बल अगुण, वर्ग का चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण की बात कर रहे हैं, वर्ग का चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण सही है। यह अपने पास में है एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त का ज्ञात करके इसको चार से गुणा कर देते हैं तो अपने पास में इस चारों अर्धवृत्तों के लिए क्या जाएगा, चुंबकीय गुण का मान आ जाएगा। तो अर्धवृत्त के लिए देखना चुंबकीय गुण का मान कितना होगा, ये अपने पास में एम टू बराबर, इसमें धारा आई बेरी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटा दो, क्षेत्रफल कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटा दो, सही है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा दो, सही है। अपने को चारों का ज्ञात करना है, इसको चार से गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे चार से, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में एम टू का मान कितना आएगा, एम टू बराबर ये अपने पास में कटेगा दो बार, तो ये जगह दो, ये आई, ये पाई आर स्क्वायर, टू आई पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है यहाँ पर त्रिज्या, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है ए है, त्रिज्या इसकी आधी होगी, त्रिज्या यहाँ से कितना होगा इस वर्त के लिए ही होगा ए बाई टू, तो आर के जगह देते हैं ए बाई टू, तो यहाँ से देखना एम टू का मान कितना आएगा, एम टू बराबर ये अपने पास में टू आई, ये पाई, त्रिज्या आर, आर बराबर अपने पास में होगा ए बाई टू, इसका होगा स्क्वायर, सही है। देखना कितना बनेगा ये अपने पास में बनेगा टू, ये आई, ये पाई, ए अपने पास में क्या होगा ए स्क्वायर बटा, ये अपने पास में चार, सही है। ये अपने पास में होगा टू आई और पाई, टू आई और पाई, ये ए स्क्वायर बटा चार, सही है। ये घटेगा इससे दो बार, तो यहाँ से एम टू का मान कितना आएगा, एम टू का मान आएगा आई पाई ए स्क्वायर बटा दो, ये एम वन का मान, ये एम टू का मान, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अपने को चाहिए टोटल चुंबकीय गुण, टोटल चुंबकीय गुण कितना होगा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, टोटल चुंबकीय गुण एम बराबर होगा अपने पास में एम वन प्लस एम टू, सही है। पूरे के लिए याद करना है, तो ये तो अपने पास में हो गया एक वर्ग के लिए चुंबकीय गुण का मान, ये अपने पास में इन चारों वर्तों के लिए जो चारों अर्धवर्त है उन चारों अर्धवर्तों के लिए क्या हो गया, चुंबकीय गुण का मान हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से एम बराबर देखना एम वन का मान यह है आई ए स्क्वायर, एम टू का मान यह है आई ए स्क्वायर पाई बटा दो, तो यहाँ से एम बराबर, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं, कांस्टेंट क्या है आई ए स्क्वायर दोनों में आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, अंदर इधर से बच रहा है पाई बाई टू, इधर से बच रहा है एक, इधर से बच रहा है पाई बाई टू, इधर से बच रहा है एक, सही है। और दोनों के किसके लंबवत है, के पृष्ठ के लंबवत है, तो अपने पास में ये के बाहर की तरफ के के, ये होगा बल अगुण का मान, आई ए स्क्वायर पाई बाई टू प्लस वन के केप, कौन से ऑप्शन में आ रहा है इसका, पाई बाई टू प्लस वन आई ए स्क्वायर के केप, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस पूरे डायग्राम के लिए बल अगुण का मान ज्ञात करना है, इस पूरे डायग्राम के लिए चुंबकीय गुण का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय गुण का फॉर्मूला होता है एम बराबर आई ए, तो पहले तो इस वर्ग का चुंबकीय गुण निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, फिर एक अर्धवृत्त का चुंबकीय गुण निकाल के इसको चार से गुणा कर देंगे, चारों अर्धवृत्तों के लिए चुंबकीय गुण का मान आ जाएगा, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी ए बाई टू, यह आ जाएगा समीकरण नंबर दो। इस पूरे डायग्राम के लिए चुंबकीय गुण का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय गुण एम बराबर अपने पास में होगा एम वन प्लस एम टू, ये एम वन का मान, ये एम टू का मान, तो यहाँ से एम बराबर हो जाएगा आई ए स्क्वायर बाहर आएगा, इधर से बचेगा एक, इधर से बचेगा पाई बाई टू, ये के के, ऑप्शन नंबर जो दो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो स्प्रिंग में क्या होगा, देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है कोई स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सही है, तो धारा ऐसे आएगी इसमें आई धारा, ये धारा आएगी ऐसे चलेगी आई, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी आई, इधर से जाएगी, फिर इधर से जाएगी आई, ऐसे जाएगी आई धारा, ऐसे चलेगी इसमें, एक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे चलेगी, तो देखना अपने पास में स्प्रिंग में क्या होगा, तो ये अपने पास में क्या बन रही है, दो कुंडलियाँ बन रही है इसमें, एक तो अपने पास में ये, एक अपने पास में ये, इसमें भी धारा ऊपर की तरफ, इसमें भी धारा ऊपर की तरफ, दोनों में धारा का मान सेम डायरेक्शन में है, दोनों में धारा सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, सही है। इधर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी, ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करेगी,
ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करेगी, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आकर्षित करेगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, संकुचन होगा। स्प्रिंग में क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में सही है। सेम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आकर्षित करेगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, संकुचन होगा, दबेगी। ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉफी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। एक तार है, उस तार की लंबाई है 0.5, इसमें 1.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस पर जो लगने वाला बल है चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान दे रखा है 2 टेस्ला, तो इस पर बल का मान ज्ञात है, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। एक अपने पास में ये वायर है, इस वायर की अपने को लंबाई दे रखी है एल, एल दे रखी है 0.5 मीटर। इसमें जो प्रवाहित धारा है आई, आई बराबर कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 1.2 एम्पीयर, सही है। चुंबक के क्षेत्र का मान दे रखा है बी, बी बराबर अपने पास में है 2 टेस्ला, इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना। तो एक अपने पास में वायर है धारावाहिक लूप पर, अगर कोई अपने पास में तार है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर कितना होता है, बल एफ बराबर अपने पास में होता है आई एल क्रॉस बी, सही है। तो एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, यानी कि एल बी, ये अपने पास में साइन थीटा, सही है। ये इसकी लंबवत गति कितना है, लंबा तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री बराबर होगा 1, यहाँ रखेंगे उठाएंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो एम बराबर कितना होगा आई एल बी, ये होगा साइन थीटा के 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर आई एल और बी, सही है। तो देखना अपने पास में बल कितना होगा, बल एफ बराबर आई, आई है इसमें धारा, इसमें धारा है 1.2, धारा का मान है 1.2 गुणा इसकी लंबाई एल, एल का मान है 0.5, यह है 0.5। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2, तो यह अपने पास में 2, तो यहाँ से देखना पर एल बराबर कितना आएगा, यह यहाँ से 12 × 5 × 2, यहाँ से अटेगा पॉइंट नीचे आएगा 0, यहाँ से अटेगा पॉइंट नीचे आएगा 0, देखना कितना होगा, 12×60, 60×120, ये होगा 120/100, क्या लिख सकते हैं इसको, 1.2 न्यूटन, बल का मान होगा 1.2 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में है 1.2 न्यूटन, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना इसके टाइप हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, बल का मान ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एम बराबर होता है आई एल क्रॉस पी, एल क्रॉस पी क्रॉस प्रोडक्ट यानी साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, लंबवत की बात कर रहे हैं, लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, उठा के रख देंगे, एफ का मान लीजिएगा, एफ अपने पास में क्या होगा, इस पर बल होगा, वो होगा 1.2 न्यूटन, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें अपने को दिया गया है कि दो समांतर तार एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा प्रत्येक में एक ही दिशा में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक तार दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल आरोपित लगेगा, सही है। प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान ज्ञात करना, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में है दो तार, दोनों समांतर है, दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान कितना है, धारा अपने पास में है 10 एम्पीयर की धारा इसमें है और 10 एम्पीयर की धारा इसमें है, सही है। इनके जो बीच की दूरी है ये अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यह इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10×10⁻², ये हो गई बीच की दूरी, सही है। अब अपने को इसके लिए क्या याद करना है, बल का मान ज्ञात, तो देखना बल बराबर क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो एफ बटा एल का मान ज्ञात करना है, एफ बटा एल कितना होगा, ये होगा अपने पास में U0/4π, ये 2 × पहले वाले में धारा I1, दूसरे वाले में धारा I2, इनके बीच की दूरी d, तो यहाँ से देखना एफ बटा एल कितना होगा, U0 का मान फिक्स है 4π × 10⁻², अपोन ये अपने पास में कितना होगा 4π × ये अपने पास में 2× धारा I1 का मान, I1 कितना है 10 एम्पीयर, I2 भी कितना है 10 एम्पीयर गुणा d, इनके बीच की दूरी 10×10⁻², यहाँ से देखना एफ बटा एल का मान कितना होगा, ये 4π से तो 4π कटेगा, सही है। इस 10 से ये 10 कटेगा, ये 10⁻² और 10⁷, ये कितना होगा, 10⁷ तो ये है और 10⁻² ये है, 10⁷ 6, 6 में से जाएगा 2, ये बचेगा 10⁻⁴, सही है। ये अपने पास में 10⁻⁶ में से जाएगा 2, तो ये बचेगा 10⁻⁴, सही है, ये अपने पास में बचेगा।
इसके अलावा अपने पास में क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा दो, सही है, यहाँ से दो बचेगा और ये बचेगा दस की घात माइनस का चार। देखना इसको क्या लिख सकते हैं हम, दो गुणा दस की घात माइनस का चार, एक ही दिशा में प्रवृत्त हो रहा है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण। तो बल का मान कितना हो गया, बल का मान हो गया दो गुणा दस की घात माइनस का चार आकर्षण, कौन से ऑप्शन में हो, दो गुणा दस की घात माइनस का चार न्यूटन, बल का मान मात्र न्यूटन, दो गुणा दस की घात माइनस का चार न्यूटन आकर्षण, कौन से में है, ये पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन अपना इसके लिए सही है, हो जाएगा दो गुणा दस की घात माइनस का चार न्यूटन आकर्षण, यह पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि दो पतले लंबे समांतर तार जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा इनमें एक ही दिशा में आई धारा बह रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर एक ही दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, सही है। देखना सॉल्यूशन कितना होगा, ये अपने पास में बोल रहा है कि दो ये पतले तार लंबे समांतर तार जिनके बीच की दूरी, ये बीच की जो डिस्टेंस है ये अपने पास में है स्मॉल डी, सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तथा इनमें एक ही दिशा में आई एम्पीयर की धारा बह रही है, एक ही डायरेक्शन में, इसमें भी धारा कितना है आई है, इसमें भी धारा कितनी है आई है, एक ही दिशा में धारा बह रही है, एक दूसरे को क्या करेंगे, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सही है। और अपने पास में बल का मान कितना होगा, बल अपने पास में एफ बराबर कितना होगा, ढूंढना ये होता है यू नोट अपॉन फोर पाई, ये होता है टू पहले वाले में धारा आई वन दूसरे वाले में धारा आई टू बटा बीच की दूरी डी इंटू इसकी लंबाई एफ, सही है, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। तो यहां से अपने पास में एफ बराबर यू नोट अपॉन, ये टू से कटेगा दो बार, ये हो जाएगा टू पाई, आई वन का मान भी कितना है आई, आई टू का मान भी कितना है आई, तो आई और आई कितना होगा आई स्क्वायर बटा बी इसकी दूरी कितनी है बी, सही है, यू नोट आई स्क्वायर बटा टू पाई टी, सही है। लंबाई एल का मान कितना है ए, या पट्टी का लंबाई की बात करें तो एफ अपॉन एल, सही है। तो ये हो गया अपने पास में बल का मान, अब एक ही दिशा में है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक ही दिशा में है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, समान दिशा में है तो आकर्षित करेगी, आकर्षित, सही है। बल का मान होगा यू नोट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई डी, यू नोट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई डी, और एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो तीन है वो अपना सही सही है, समान दिशा में धारा जारी है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, तो बल का मान होगा यू नोट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई डी, आकर्षित, ऑप्शन नंबर तीन सही लिखेगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण की हम बात करें, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर अपने पास में होता है आई और ए के, सही है, चुंबकीय आघूर्ण होता है एम बराबर आई ए। तो ये बोल रहा है कि कुंडली में धारा दे रही है, धारा आई, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए अपने को चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कुंडली का अपने पास में क्षेत्रफल ए कितना होगा, ए अपने पास में होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से बल आघूर्ण, यहां से अपने पास में चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होगा धारा आई, इस कुंडली का अपने पास में क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सही है। ये पूछ रहा है कि कुंडली की तार की लंबाई के समानुपाती, लंबाई के उत्क्रमानुपाती, लंबाई के वृत्त के समानुपाती, लंबाई के वृत्त के उत्क्रमानुपाती, ये लंबाई की बात कर रहा है, तो यह है अपने पास में कुंडली, ये कुंडली की त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल ये तो कितना है, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ये वर्ताकार कुंडली है, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी लंबाई की हम बात करें, कुंडली की लंबाई पूरी लंबाई एल होगी, वो अपने पास में इसकी परिधि के बराबर होगी, परिधि अपने पास में होगी टू पाई आर, सही है। इस कुंडली की जो लंबाई होगी पूरी, ये इसकी परिधि के बराबर होगी, परिधि कितनी है टू पाई आर, यह है एल के बराबर, एल के, सही है। अब यहां से देखना अपने पास में एल समानुपाती है आर की, लंबाई जो होगी वो त्रिज्या आर के समानुपाती होगी, सही है। तो यहां से अपने पास में जो एल स्क्वायर होगा वो समानुपाती होगा आर स्क्वायर, सही है। एल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, या आर लिख सकते हैं, सही है। तो देखना अपने पास में, तो अपने पास में चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर ये आई ये पाई आर, आर बराबर किसके है एल के, तो यहां पर लिखते आर की जगह एल, तो ये एल का स्क्वायर,
सही है। तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, i पाई l स्क्वायर, यानी कि यहां से m चुंबकीय आघूर्ण यह समानुपाती होगा इसकी लंबाई l के, चुंबकीय आघूर्ण m का मान समानुपाती होगा इसकी लंबाई के स्क्वायर के, सही है। तो यहां से अपने पास में जो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा, तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती ऑप्शन नंबर तीन में है, ऑप्शन नंबर तीन चुनिए, सही है। ये अपने पास में आर की फॉर्म में मिली है, अपने को जो ऑप्शन है उसमें एल की फॉर्म में पूछा गया है, तो यहां से अपने पास में एल बराबर होगा टू पाई आर के, तो एल समानुपाती होगा आर के, तो यहां से एल का मान एल बराबर किसके है आर के, आर बराबर किसके है एल के, तो यहां पर रख देंगे आर की जगह एल, तो एल कैसे हो जाएगा, तो यहां से जो एम होगा वो होगा आई पाई एल स्क्वायर, यानी कि जो अपने पास में चुंबकीय आघूर्ण एम है वो लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा, लंबाई के वर्ग के समानुपाती ऑप्शन नंबर तीन में है, तो ऑप्शन नंबर तीन अपना इसके लिए लेंगे, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें दिया गया है यदि धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विक्षेप दोगुना हो जाता है, सही है। तो कौन सा होगा अपने पास में, स्पर्श या धारा मापी होगा, चल कुंडली धारा मापी होगा, एक और दोनों होगी इनमें से कोई नहीं होगा। ये अपने पास में धारा आई समानुपाती होता है विक्षेपण, विक्षेपण थीटा के, अगर धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विक्षेपण भी कितना हो जाएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, दोनों समानुपाती है, अगर धारा को दोगुना कर दिया तो विक्षेपण भी दोगुना हो जाएगा, ये किसमें होता है, ये अपने पास में होता है चल कुंडली धारा मापी में, ऑप्शन नंबर दो सी, ये फॉर्मूला किसमें होता है चल कुंडली धारा मापी में, तो ऑप्शन नंबर जो दो है वो अपना सी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें अपने को दिया गया है कि एक चर कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता सिग्मा बी धारा सुग्राहिता सिग्मा आई में संबंध अपने को चेक करना है, जहां पर जी बराबर क्या है धारा मापी का प्रतिरोध है, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन बात करें वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता इसको अपन लिखेंगे, ये अपने को दे रखा है सिग्मा बी, सिग्मा बी वोल्टेज सुग्राहिता होता है वो अपने पास में होता है एठन कोण यानी कि अल्फा बटा अपने पास में होता है बी की, वोल्टेज सुग्राहिता अल्फा बटा बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा बी बराबर किसके होता है, ये होता है अपने पास में आई और आर के, सही है। एक अपने पास में होता है धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता ये अपने को दे रखा है सिग्मा आई, सिग्मा आई बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है अल्फा बटा आई, सही है। ये अपने पास में वोल्टेज सुग्राहिता, ये अपने पास में धारा सुग्राहिता, इन दोनों में संबंध चेक, सही है। तो यहां से ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, समीकरण दो से एक में मान रखने पर, एक में मान रखने पर देखना क्या होगा, ये अपने पास में सिग्मा वी बराबर, ये अपने पास में है अल्फा अपॉन आई आर, तो अल्फा अपॉन आई ये रहा सिग्मा आई के बराबर है, ये अपने पास में है सिग्मा आई के बराबर, और ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है बटा है आर, सही है। तो यहां से अपने पास में देखना जो आर है वो आर क्या है, आर प्रतिरोध है, आर की जगह क्या दे रखा है, आर की जगह दे रखा है जी, आर बराबर क्या दे रखा है, कुछ नहीं जी दे रखा है, सही है। ये अपने पास में है धारा मापी का प्रतिरोध, आर की जगह कुछ नहीं दे रखा है जी, तो यहां पर आर की जगह क्या कर देंगे, जी कर देंगे, ये अपने पास में सिग्मा वी बराबर सिग्मा आई बटा जी, ये अपने पास में वोल्टेज सुग्राहिता, ये धारा सुग्राहिता, इसमें संबंध आ जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर होगा धारा सुग्राहिता बटा जी, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटा जी, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेंगे, सही है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण से उठाई करते हैं पहले समीकरण, तो सिग्मा वी बराबर आई अल्फा बटा आई, ये होगा अपने पास में सिग्मा आई के बराबर, ये बटा में है आर, आर के जगह क्वेश्चन में कितना ये है, ये है जी, जी क्या है धारा मापी का प्रतिरोध, आर के जगह कर देंगे जी, तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो अपना इसके लिए करेंगे, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यत बनाए बनाने के लिए चुंबक का आकार होना चाहिए, सही है। जो चल कुंडली धारा मापी है
उसमें चुंबक के क्षेत्र को त्रिज्यत बनाए रखने के लिए जो चुंबक का आकार होगा वो अपने पास में होगा अवतलाकार। सही है, चुंबक आकार अपने पास में से होगा, सही है, ये अपने पास में होगा अवतलाकार। चुंबक का जो आकार होगा वो अपने पास में होगा अवतलाकार। सही है, ये अपने पास में होगी चुंबक। सही है, ये चुंबक का आकार जो होगा वो अवतलाकार होगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। एक इलेक्ट्रॉन पुंज व एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान है, तो उन दोनों के मध्य क्या होगा। सही है, एक अपने पास में इलेक्ट्रॉन पुंज है, एक अपने पास में क्या है प्रोटॉन पुंज है, दोनों एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिशील है। एक ही दिशा में गतिशील है तो अपने पास में क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने पास में सेम दिशा में है, सेम दिशा में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सही है, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे यानी आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा के अनुदिश गतिशील है तथा वाई दिशा की ओर अनुदिश चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो परिणामी गति क्या होगी। सही है, इसकी परिणामी गति अपने को याद करनी है। सही है, तो देखना अपने पास में, यह अपने पास में है एक्स, यह अपने पास में है वाई। सही है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा के अनुदिश गतिशील है, इलेक्ट्रॉन अपने पास में इस दिशा में गतिशील, एक्स दिशा में, इधर अपने पास में है इसका वेग बी एक्स दिशा में, चुंबक के क्षेत्र जो बी है वो अपने पास में है वाई दिशा में, तो इसकी गति यानी कि इस पर बल का मान याद करना है। F बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है क्यू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर बल देखना, V अपने पास में इस दिशा में है, B अपने पास में इस दिशा में, तो लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, या नेगेटिव साइन है तो फोर्स इसके विपरीत बाहर की तरफ, तो ये अपने पास में हो गया जेड डायरेक्शन, ये अपने पास में हो गया एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी अपने पास में एक्स और जेड समतल में। सही है, एक्स जेड समतल में कैसे होगी, वर्ती होगी। सही है, इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो होगी एक्स और जेड समतल में, वर्ती होगी, ये ऐसे गति करेगा, बल का मान इस तरफ होगा, तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन की गति होगी एक्स और जेड तल में वक्री होगी, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना सही हो जाएगा। सही है, आगे है एग्जांपल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है, इसमें अपने को चुंबक के क्षेत्र का मान दिया गया है, चुंबक के क्षेत्र बी ये अपने पास में है 3.57 × 10⁻²⁻² टेस्ला, ये अपने पास में है बी का मान। आगे अपने को दिया गया है E/M, ये E/M ये अपने पास में है 1.76 × 10⁻११ कूलाम/kg, ये अपने पास में है E/M का मान। ठीक है, इसके लिए परिक्रमण आवर्ती अपने को याद करनी है, आवर्ती बोले तो F का मान याद करना है। सही है, F बराबर कितना होता है अपने पास में, F बराबर अपने पास में होता है ω/2π। सही है, अपने को चाहिए ओमेगा का मान, देखना ओमेगा मान कैसे निकालेंगे। ओमेगा की हम बात करें, ओमेगा बराबर अपने पास में कितना होता है, वी बराबर अपने पास में होता है आर ओमेगा, वी बराबर होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना होगा, ओमेगा बराबर होगा वी बटा आर। एक इलेक्ट्रॉन है वर्ती कक्षा में गति कर रहा है, तो इसके लिए अपने पास में आर का मान कितना होता है, आर बराबर अपने पास में होता है mv/q/b, ये होता है अपने पास में आर का मान। सही है, ये आर का मान उठाएगा रखते हैं, तो देखना ओमेगा कितना होगा, ओमेगा बराबर ये वी बट्टा आर, आर का मान ले रहा, ये अपने पास में इसके बट्टा में है, उल्टा हो जाएगा 1/r का मान, ये हो गया 1/r, ये हो जाएगा अपने पास में qb/m/v। सही है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, q और b बट्टा अपने पास में m/v। सही है, इधर भी से v कटेगा, तो w बराबर ओमेगा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा qb/m। सही है, तो ओमेगा बराबर क्यों अपने पास में किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये ई, ये बी और ये अपने पास में एम, उठा क्या रखते हैं, देखना आप बराबर कितना होगा, ω/2π, ओमेगा का मान ये रहा, ये अपने पास में है ई बी बट्टा एम, बट्टा में है 2π, यहाँ से देखना अपने पास में ई बट्टा एम का मान कुछ नहीं दे रखा, ये रहा, तो यहाँ से एफ बराबर ई/m का मान कितना है 1.76 × 10⁻११ गुणा
बी का मान कितना है, बी का मान ये रहा, ये अपने पास में है 3.57 गुणा 10 की घात माइनस का 2 बट्टा 2 पाई, 2 पाई का मान होता है 3.14। सही है, तो देखना एफ बराबर कितना होगा, लगभग हम एफ की बात करें, देखना कितना होगा, ये अपने पास में 3.14 3.57 ये लगभग कटेगा एक बार कट जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे 2 जीरो, सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 की घात 9, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस का 2, ये कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 10 की घात, ये अपने पास में हो गया 7, सही है, 2 जीरो नीचे आएंगे 100, 100 से ये कटेगा 2 बार, तो 10 की घात 9 बचेगा, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस का 2, ये अपने पास में 10 की घात 7, सही है, गुणा इधर अपने पास में बचेगा 176 ये बट्टा 2, सही है, इसमें 2 का भाग लगेंगे, 2 अंटे 16 एक बचेगा, ये भी 2 अंटे 16 88 गुणा 10 की घात 7, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 0.88 गुणा 10 की घात 9, सही है, 0.88 गुणा 10 की घात 9, सही है, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये लगभग 1 के बराबर 1 गुणा 10 की घात 9, तो ये बचेगा 10 की घात 9 के आसपास, 10 की घात 9 का मतलब कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1 गीगाहर्ज, 1 गीगाहर्ज, 1 गीगाहर्ज कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21, इसमें अपने को दिया गया है कि एक आयताकार कुंडली में से स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, यह आयताकार कुंडली है, इसमें स्मॉल धारा आई बह रही है, इस कुंडली को एक तार के समीप इस प्रकार खा जाता है, ये तार है इसके समीप इस प्रकार खा जाता है कि इसकी एक भुजा तार के समांतर हो, इसकी ये एक भुजा है, ये तार के क्या है, समांतर है, यदि तार में स्थायी धारा कैपिटल आई बह रही हो तो कुंडली स्थिर रहेगी, तार की ओर चलेगी, तार से दूर जाएगी या घूम जाएगी, सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, ये बोल रहा है ये कुंडली है, ये अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, सही है, तो इधर अपने पास में ये वाला इस वाली रेखा पे और इस वाली रेखा पे, इन दोनों पे अपने पास में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपने पास में क्या होगा, इन दोनों पे, ये दोनों अपने पास में क्या है, एफ बराबर कितना होता है, फोर्स एफ बराबर ही अपने पास में होता है एल आई क्रॉस बी, सही है, तो यहाँ से अपने पास में एफ बराबर इस वाली रेखा के लिए और इस वाली रेखा के लिए, ये अपने पास में देखना एल आई क्रॉस बी यानी कि आई बी, ये अपने पास में साइन थीटा, सही है, यहाँ पर अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है थीटा का मान कितना है, थीटा अपने पास में है 0 डिग्री, तो इस पर जो बल का मान होगा वो अपने पास में होगा 0 डिग्री, सही है, इस वाली रेखा पे और इस वाली पे तो बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है, अपने पास में एक तो ये वाली लाइन बच रही है, एक ये वाली लाइन बच रही है, इस पर देखना अपने पास में क्या होगा, बल का मान ये इसके समांतर है और ये इसके भी समांतर है, तो ये अपने पास में कोई धारावी चालक तार है उसमें धारा बह रही है, तो उसके लिए बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं इस तार से इसके बीच की दूरी है, मान लेते हैं अपने पास में है दूरी आर वन, और इस वाले तार की इस वाली रेखा की इस वाले तार से दूरी है, ये अपने पास में है आर टू, सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, एफ बराबर दो समांतर चालों के बीच लगने वाला बल क्या होता है अपने पास में, एफ बराबर एफ समानुपाती होता है अपने पास में इनके बीच की दूरी के, एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के, यानी कि एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा आर वन के, इसको मान लेते हैं एफ वन, एक बल अपने पास में एफ टू, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/2 ये वाली दूरी आर टू की, सही है, यानी कि अपने पास में यहाँ पर आर वन इज लेस देन है आर टू के, सही है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसकी त्रिज्या कम होगी उस पर लगने वाले फोर्स का मान ज़्यादा होगा, तो यहाँ से अपने पास में एफ वन जो फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ टू के, सही है, एफ वन जो फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ टू के, यानी कि इस वाले चालक तार के कारण इस पर लगने वाला जो बल एफ वन है ये अपने पास में इस वाले बल एफ टू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ये जो अपने पास में कुंडली होगी ये तार की तरफ गति करेगी, तार की ओर क्या करेगी, गति करेगी, कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, सही है, इसके कारण लगने वाला बल ये अपने पास में है एफ वन, ये बल अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है एफ टू, एफ वन का मान ज़्यादा है एफ टू से,
एफ वन का मान ज़्यादा है एफ टू से, तो एफ वन का मान ज़्यादा है तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या करेगा, कुंडली तार की ओर गति करेगी, कुंडली जो होगी तार की ओर चलेगी या तार की ओर गति करेगी। कौन से ऑप्शन में है ये, अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। एक धारावाही वर्गाकार लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल में उपस्थित है, लूप की एक भुजा पर बल एफ हो तो लूप की शेष तीन भुजाओं पर कुल बल का मान ज्ञात करना है। सही है, सॉल्यूशन की हम बात करें, यह अपने पास में है एक धारावाही लूप है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, तो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही जो लूप है उससे लूप पर अपने पास में बल का मान कितना होता है, एक वर्गाकार लूप है, इस वर्गाकार लूप पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एफ नेट, ये अपने पास में होता है जीरो के बराबर। सही है, इस पर जो कुल फोर्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। सही है, ये दे रखा है कि लूप की एक भुजा पर बल एफ है, तो यहाँ से देखना अपने पास में एफ नेट, ये भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी, एफ नेट बराबर क्या होगा, बल ए और बी भुजा पर प्लस बल बी और सी भुजा पर प्लस बल सी और डी भुजा पर प्लस बल डी और अपने पास में ए भुजा पर। सही है, नेट बल तो जीरो है तो ये जीरो के बराबर, जीरो बराबर एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी डी प्लस एफ डी। सही है, अभी बोल रहा है कि एक भुजा पर बल कितना है, एफ है, मान लेते हैं इस भुजा पर बल एफ है, तो यहाँ से एफ बराबर कितना होगा, यहाँ से एफ ए बी ये बराबर सारे सारे इस तरफ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का एफ बी सी एफ सी डी प्लस एफ डी ए। सही है, एक भुजा पर बल का मान दे रखा है एफ, तो ये अपने पास में है एफ बराबर, ये माइनस, तो ये किसके बराबर होगा, ये एफ के बराबर, तो जो अन्य तीन भुजाओं पर जो बल होगा वो अपने पास में होगा माइनस एफ के बराबर। माइनस एफ कौन से में है, ये तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस पर नेट बल का मान कितना है, नेट बल है जीरो। सही है, तो यानी कि इस वाले तार के कारण बल, इस वाले तार के कारण बल, इस वाले तार के कारण बल और इस वाले तार के कारण बल टोटल है जीरो के बराबर। अपने को किसी एक तार पर बल का मान दिया गया है वो है एफ, तो अपने को ए बी का मान लेते हैं कि ए बी पर बल का मान दिया गया है, तो ए बी ये पूरा का पूरा इस तरह हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये पूरा हो गया माइनस का। जो ए और बी है वो बराबर किसके हैं, एफ के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास में जो तीनों पर जो बल होगा वो इसके बराबर होगा। सही है, इन तीनों पर जो बल होगा वो इसके बराबर होगा, इसका मान कितना दे रखा है एफ, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एफ। माइनस का कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। सही है, इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सर्पिलाकार कुंडली में एन लपेटे हैं, यानी कि एन फेरे हैं, तथा आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः ए और बी है। जब कुंडली में से आय धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक सर्पिलाकार कुंडली है, इसमें एन फेरे हैं, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या अपने को दे रखी है ए और बी। सही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, यह अपने पास में है एक सर्पिलाकार कुंडली, सही है, इस कुंडली में एन क्या है, फेरे हैं, इसकी आंतरिक त्रिज्या है, यह है इसकी आंतरिक त्रिज्या, यह है स्मॉल ए, यह इसकी बाहरी त्रिज्या, यह है स्मॉल बी, यह दे रखी है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर यहां पर चुंबकीय के क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सही है, अगर अपने पास में सिंपल एक कुंडली होती तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होता, केंद्र पर बी बराबर होता यू नोट आई अपॉन टू इसकी त्रिज्या आर के बराबर, ये होता अपने पास में अगर एक कुंडली होती तो। यहां पर अपने पास में बहुत सारी कुंडलियां हैं, तो देखना इन बहुत सारी कुंडलियों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, तो देखना अपने पास में इन कुंडलियों में फेरों की संख्या कितनी है, एन फेरों की संख्या है। सही है, तो अपने पास में देखना ये अपने पास में टोटल है बी, तो यह है बी माइनस ए, बी माइनस ए फेरों में, बी माइनस ए फेरों में, बी माइनस ए ये अपने पास में होगा बी, इस पूरे बी में से एक हटा दे तो अपने पास में आ जाएगा बी माइनस ए में, बी माइनस ए में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है कैपिटल एन,
यहाँ से यहाँ तक फेरे कितने हैं, एन फेरे हैं, फेरों की संख्या है एन। तो एकांक लंबाई में बी माइनस ए लंबाई में फेरों की संख्या है एन, तो एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी एन बटा बी माइनस ए। सही है, इस पूरे एरिया में फेरों की संख्या है एन, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होगी एन अपॉन, ये इसके अपॉन में जाएगा, ये इसके अपॉन में जाएगा। सही है, अपन क्या करते हैं इसमें से एक छोटा सा अल्पांश तोड़ते हैं, एक अल्पांश छोटा सा बाहर निकालते हैं, मान लेते हैं ये अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश इसमें से बाहर निकालते हैं, ये मान लेते हैं डी एक्स अल्पांश है। सही है, तो डी एक्स अल्पांश के कारण फेरों की संख्या ये अपने पास में है डी एन। सही है, ये डी एक्स अल्फांस ले लिया, इसमें कितने फेरे हैं, फेरे इसमें है डी एन, और जो डी एन है वो बराबर किसके होगा, वो अपने पास में होगा एन अपोन बी माइनस ए इंटू अपने पास में डी एक्स। सही है, ये अपने पास में गया डी एन का मान। सही है, तो इस एक फेरे के कारण अपने पास में चुंबक के क्षेत्र बी बराबर है, बी बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा यू नोट, इसमें धारा है आई, फेरों की संख्या एन, एन किसके कह लेंगे डी एन, डी एन का मान कितना है, ये अपने पास में है डी एन अपोन, ये अपने पास में टू, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये अपने पास में मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं तो ये बटा एक्स। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना ये यू नोट, अब अपने को तो इस सारों के लिए याद करना, सबके लिए सारे के सारे जो अपने पास में फेरे हैं उनके लिए याद करना है, तो इस पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। सही है, इंटीग्रेशन करते हैं पूरे के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से देखना ये अपने पास में डी बी, तो यहाँ से बी बराबर यू नोट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आई अपने पास में कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एन का मान ये रहा, डी एन का मान है एन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट भी बाहर आ जाएगा। सही है, अंदर क्या बचेगा, इधर से टू भी कॉन्स्टेंट है तो टू भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास में वन अपॉन एक्स, इधर से बचेगा ये डी एक्स। सही है क्या, ये डी एन का मान उठा क्या रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। अभी यहाँ से देखना क्या बनेगा, चुंबक के क्षेत्र बी केंद्र पर ये अपने पास में बनेगा यू नोट आई गुणा एन अपॉन टू, ये अपने पास में होगा बी माइनस ई, वन अपॉन एक्स होगा लोग एक्स के बराबर, ये अपने पास में होगा लोग एल एन एक्स के बराबर, ये अपने पास में होगा एल एन एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन अपने पास में होगा ए से बी तक, ये ए है, ए से कहाँ तक जाएगा, बी तक जाएगा, इंटीग्रेशन होगा ए से बी तक, तो ये एल एन एक्स ये होगा ए से बी तक। सही है, तो यहाँ से देखना बी केंद्र पर कितना आएगा, बी केंद्र पर ये अपने पास में आएगा यू नोट आई ये एन अपोन ये टू, ये होगा बी माइनस ए। सही है, ये अपने पास में होगा एल एन, ये होगा बी बट्टा ए। सही है, इसको क्या लिखेंगे अपन, बी बट्टा ए, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर तीन में, तो ऑप्शन नंबर तीन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से याद कर लेंगे, पहले किसी एक के लिए याद कर लेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के लिए आ जाएगा अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान, ऑप्शन नंबर तीन से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24, एक लंबा सीधा तार जेड अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है, एक लंबा सीधा तार है वो जेड अक्ष के अनुदिश रखा गया है, इसमें धारा ऋणात्मक जेड अक्ष दिशा में प्रवाहित हो रही है, जेड बराबर जीरो में स्थित किसी बिंदु अक्ष वाई पर चुंबकीय के क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सही है, यह अपने पास में है अक्ष, यह अपने पास में है वाई, जेड बराबर है जीरो पर, यहाँ बिंदु होगा, ये अपने पास में होगा एक्स और ये अपने पास में वाई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये अपने पास में है आर। सही है, जेड इक्वल टू जीरो है, बिंदु एक्स और वाई पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, एक सीधा तार है जो अपने पास में जेड एक्स के अनुदिश रखा गया है। सही है, ये जेड एक्स के अनुदिश ऐसे अंदर की तरफ है। सही है, धारा इसमें ऋणात्मक जेड दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट अपने पास में वो है इस बिंदु के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। सही है, तो एक सीधे लंबे तार के कारण धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, ऐसे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर ये P है, ये दूरी R है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है यू नोट आई अपॉन टू पाई आर, यू नोट आई अपॉन टू पाई आर के बराबर होता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र यू नोट, इसमें धारा आई अपॉन टू पाई आर, आर ये वाली दूरी, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये अक्सर ये वाई है, ये एंगल है थीटा,
तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूरी क्या होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आ गया बी का मान, सही है। अब इसमें अपने को क्या पूछा है, सदिश फॉर्म में पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में देखना कैसे याद करेंगे। ये अपने पास में है, ऐसे गति करेगा, सही है। इसका टेंजेंट इधर होगा, सही है। तो इसके कंपोनेंट लेते हैं, इसका अपने पास में एक कंपोनेंट दिया गया, एक कंपोनेंट अपने पास में नीचे की तरफ आ गया, एक तो आ गया माइनस जे में, एक अपने पास में आ गया एक्स में, दो कंपोनेंट आ गए। ये एंगल अपने पास में है थीटा, इधर ये अपने पास में नीचे की तरफ है, ये अपने पास में है जे कंपोनेंट, ये इधर अपने पास में है इसका एक्स कंपोनेंट, सही है। ये माइनस का जे कैप, ये अपने पास में है एक्स कैप, एक्स ये अपने पास में यह आई कैप, सही है। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल अपने पास में थीटा होगा, ये एंगल अपने पास में क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये अपने पास में कोस थीटा, ये अपने पास में साइन थीटा। इधर ये थीटा है तो इसका आर के साथ कंपोनेंट, ये होगा अपने पास में आर कोस थीटा, इधर अपने पास में होगा आर साइन थीटा, सही है। ये अपने पास में होगा एक्स बराबर, ये अपने पास में होगा वाई बराबर, एक्स बराबर होगा आर कोस थीटा, वाई बराबर होगा आर साइन थीटा, सही है। अब अपने पास में देखना क्या होगा, अपने का इसको सदिश फॉर्म में याद करना है, तो यहाँ से देखना इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अपने पास में देखना क्या होगा, बी बराबर, बी अपने पास में होगा ये नीचे की तरफ कोस थीटा, कोस थीटा अपने पास में कितना होगा, इधर अपने पास में होगा कोस थीटा, ये अपने पास में है माइनस का जे कैप प्लस, इधर अपने पास में है साइन थीटा, इसके कंपोनेंट ऐसे होंगे, इधर की तरफ कोस थीटा, इधर की तरफ साइन थीटा, ये अपने पास में होगा साइन थीटा, ये अपने पास में है आई कैप, सही है। तो यहाँ से देखना बी बराबर कितना होगा, बी बराबर कोस थीटा, कोस थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, कोस थीटा का मान कितना होगा यहाँ से, ये होगा एक्स बटा आर, ये अपने पास में होगा एक्स बटा आर, ये अपने पास में माइनस का जी प्लस, साइन थीटा का मान, साइन थीटा यहाँ से, ये होगा वाई बटा आर, ये अपने पास में होगा वाई बटा आर, ये इधर अपने पास में आई कैप, सही है। तो यहाँ से देखना बी बराबर कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, इसका आप सदिश वाइज देखना क्या होगा, एक्स बटा आर वाई बटा आर, इसमें से बाहर ले लेंगे एक बटा आर को, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स माइनस का, ये माइनस का एक्स और ये अपने पास में जे कैप, ये प्लस का ये वाई और ये अपने पास में आई कैप, ये बचेगा, सही है। तो ये तो इसका सदिश फॉर्म में, सदिश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखना अपने पास में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी, बी बराबर अपने पास में इसको मान लेते हैं बी नोट, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में यू नोट आई अपॉन ये टू पाई, इधर है रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका सदिश फॉर्म, सदिश फॉर्म कितना है एक बट्टा आर, एक बट्टा आर, ये अपने पास में हो गया वाई आई कैप माइनस का एक्स जे कैप, ये बन गया। यहाँ से r का मान रखेंगे, r का मान इसके बराबर है, ये इससे गुणा होगा, तो ये अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास में बचेगा b बराबर u नोट i अपॉन टू पाई, r का मान ये रहा, ये इससे गुणा होगा तो रूट और रूट वन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, सही है। और अपने पास में क्या बचेगा, वाई आई माइनस का x और ये जी, ये अपने पास में बढ़ेगा, सही है। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ये अपने पास में यू नोट आई अपॉन टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स जे, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये इसके, ये अपने पास में सिंपल ये होगा, ये सदिश फॉर्म में पूछा है तो इसके लिए इसका सदिश निकाल देंगे, सदिश को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में ये बन जाएगा, सही है, जो ऑप्शन नंबर एक में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर एक अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें अपने को दिया गया है कि एक धारावाही लूप एक समरूप चुंबक के क्षेत्र में रखा है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा चित्र अनुसार कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो लूप की प्रवृत्ति क्या होगी, सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, यह अपने पास में है एक समरूप चुंबक के क्षेत्र, एक समरूप चुंबक के क्षेत्र पर कोई धारावाही लूप है, ये ऐसे रखा है, सही है।
यह है एक्स, यह है वाई। चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें है अंदर की तरफ, सही है, तल के लंबवत अंदर की तरफ है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है उसमें धारावाही लूप रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो एफ नेट फोर्स होगा वो तो अपने पास में कितना होता है, जीरो होता है, सही है। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई अपने पास में लूप रखा हुआ है, धारावाही लूप, उस लूप पर अपने पास में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, यानी कि ये लूप ना तो इधर गति करेगा, न इधर गति करेगा, न इधर गति करेगा, न इधर गति करेगा, सही है, यानी कि एक्स वाई डायरेक्शन में तो गति नहीं करेगा, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इसके लिए अपने एक अल्फांस की कल्पना करते हैं, ये अपने पास में अल्फांस है, इसकी लंबाई है डी एल, सही है। एफ बराबर अपने पास में कितना होता है, एफ बराबर अपने पास में होता है आई डी एल क्रॉस बी, सही है। तो यहाँ से देखना, ये डी एल और बी अपने पास में अंदर की तरफ, डी एल और बी अंदर की तरफ, तो अंगूठा बाहर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सही है। इस जगह देखो अपने पास में ये अल्फांस है डी एल, धारा इसमें से है, धारा इसमें से है, तो अंगूठा बाहर की तरफ, तो अपने पास में बल लगेगा फोर्स बाहर की तरफ। इस वाली जगह पर ये फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लगेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। प्रसार कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है। हर जगह देखेंगे तो फोर्स बाहर की तरफ होगा, सही है, इधर से अपने पास में फोर्स बाहर की तरफ, इधर से फोर्स बाहर की तरफ, तो ये जो होगा ये फैलेगा, ऑप्शन नंबर जो दो होगा वो अपना करेक्ट होगा, सही है। इसको क्या करूँ, अपनी कॉफ़ी में नोट करूँ।